पीपीगंज थाने की पुलिस ने मारपीट व हत्या के प्रयास के आरोप में 5 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 5 अभियुक्तों को जिंदपुर मुबारकपुर चौकी रोड से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान रामकृष्ण यादव उर्फ कृष्णा यादव, पुत्र चंद्रिका यादव निवासी भिठा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, दूसरा श्याम कृष्ण यादव उर्फ कन्हैया यादव पुत्र चंद्रशेखर यादव निवासी भिठा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, तीसरा गोपाल यादव पुत्र महेश यादव निवासी भिठा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, चौथा बलिराम भारती पुत्र श्री राधेश्याम निवासी सरहरी थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर, पांचवा राहुल यादव पुत्र रामललित निवासी भरवल प्रेमनगर थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक चारपहिया वाहन, 2 लोहे का पाइप, 1 लोहे का राड बरामद किया गया है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि 6 अगस्त को अशोक कसौधन व रमेश कसौधन को भोला यादव व उसके अन्य साथियों द्वारा मारा पीटा गया, जिससे उनको गंभीर चोटें आईं, जिनकी तहरीर के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में पीपीगंज उपनिरीक्षक अभिनव मिश्रा, शमशीर अहमद, विकास यादव, कांस्टेबल राजू कुमार, बद्री प्रसाद, महेश चौबे, शैलेंद्र कुमार, मनीष कुमार, ओमकार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, कल दिनांक 6/8/2022 को थाना पीपीगंज में अशोक कसौधन व रमेश कसौधन को भोला यादव व उसके 5 साथियों द्वारा मारा पीटा गया, जिससे उनको गंभीर चोटें आ गई। इस पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा प्रयास करके 5 अभियुक्तों रामकृष्ण, श्याम कृष्ण, गोपाल यादव, बलिराम भारती और राहुल यादव को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त 1 अदद स्कॉर्पियो वाहन और 2 अदद लोहे के राड बरामद किए गए। अभियुक्त भोला की गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए 3 टीमें लगाई गई हैं।